मॉर्निंग मेरी फैमिली और फ्रेंड्स, और मैं हो चुका हूँ रेडी। चलो खाना खाते हैं अभी और चलते हैं खेत। अभी थोड़ा खाना लेट हो चुका है, अभी बज रहे हैं 7:40 और मुझे 8 बजे पहुँचना है खेत। मैंने चाय साथ ले लिया और चलो अब चलते हैं खेत। अभी आ चुका हूँ खेत, और ये कल जो आप इनसे मैंने मतलब हल बलो बजवाया था यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इनको फोड़ा मार के रेडी कर दूंगा। इसके बाद जो भी इसका प्रोसीजर आगे का मैल वगैरह का है वो हम शाम तक इसको कर देंगे। और ये देखो हमारा खेत अब हरा भरा दिखना स्टार्ट हो चुका है। बस 2-3 दिन में हम मतलब अपनी सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। और एक में मैंने ले लिया है बायोवीटा आधा डब्बा, और एक ले लिया है डाया, और इन पांचों में ये मतलब मैंने मिक्स करना है। इसके बाद हम इसको दंदराली फेरेंगे। चलो चलते हैं अब। और आज मेरे हाथों से मारा गया सांप और हो गया है पाप। मतलब हम इधर बैठे हुए थे और हमारे एकदम पास आ गया और मेरे को ये उसको मारना पड़ा। और यहाँ पे ये बैठा ननू बैठा हुआ था और सांप था यहाँ पे, और जैसे इसने देखा वो डर गया ये, और ये इतनी पास आ चुका था हमारे, और आते ही हमें इसको मारना पड़ा। और अभी ये मतलब विष वगैरह घोल रहा है, मेरे मतलब एक डंडा मारा उससे ही मर गया ये। और अब इसको मैं बर्मीडा में डालने के लिए लेके जा रहा हूँ। पापा चले गए। और जो हमने 2 अगस्त को बीज लगाया था उसको करते हैं अब स्प्रे। वो स्प्रे होती है इसको मतलब पौध को फंगीसाइड से, जो कि उसको गलने से बचाती है। कोई भी दवाई हो उसको हाथ मत लगाएं क्योंकि ये खतरनाक होती है बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे किसी चीज़ से धो लें। अभी मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, मतलब ना बारिश लग रही है ना धूप है, और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है। मतलब थोड़ी दूर बारिश लगी है उस साइड, और हवा बिल्कुल ठंडी आ रही है, और इस टाइम काम करने का मज़ा काफ़ी आता है। अभी हो गया है मतलब 1:10 और मैं जा रहा हूँ घर, और ये मैं अपनी वाटर बोतल अपने साथ लाता हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता थोड़ा सा, बट नॉर्मल पानी पीता हूँ मैं अभी, फ्रिज का पानी अच्छा नहीं होता पीने के लिए। पहुँच चुका हूँ घर, और ये आता ही दरवाजे बैठा हुआ था और इधर उधर घूम रहा है, अब भी देख रहा है मेरे नीचे छोड़ दो। और अभी बच चुके हैं 2 और मैं फिर से जा रहा हूँ खेत, और इसको अभी पानी परसों दिया था और अभी फिर से ये पानी मांग रही है, क्योंकि इनके पत्ते जो हैं वो ढीले हो चुके हैं थोड़े थोड़े बिना पानी के, मतलब सूखे लग रहे हैं अभी बूटे ये। इनको पानी शाम को मैं 2 बजे बजे हैं अभी, इसके बाद 3 या 4 बजे तक इसको पानी में लगा दूंगा। और अभी खेत में आ गया हूँ, बट गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ना कि धूप तीखी नहीं है, बट जो भी धूप लग रही है उसके साथ ज़मीन से जो भड़ास मतलब गर्मी निकल रही है उसके साथ गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है, और हवा बिल्कुल नहीं चल रही। और अभी फिर से हम लगा रहे हैं पानी, मतलब इनको 1 दिन या 2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं हम, अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो बीज जल जाता है मतलब सूख के मरना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हो जिनको पानी दे दिया प्रॉपर ग्रीन हो चुके हैं,
ये थोड़े लाइट ग्रीन है, और इधर भी पानी चल रहा है और यहाँ पे भी। और अभी बारिश का मौसम हो चुका है और आप देख सकते हो हमारे खेत कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले सारा घास वगैरह था। और यहाँ से देखिए, पर मैं खेत से आके अभी नहा लिया हूँ और थोड़ा बहुत बाहर घूमूंगा अभी, फिर थोड़ी देर बाद मैं शायद पेट्रोल पंप जाऊंगा क्योंकि मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। अब बबू दी तेरे घंटी टक्कने है नहीं, ये कितने गया कहीं कहीं छोटे वा चल दी नहीं फिर चल दी टक्कन करी रखना है होगा ना ठंडी ठंडी हवा चली है ना, मज़ा आएगा तुम हम सैकल घुमाइए ना पूरे पिंड चक्कर लाएगा देना, ये स्वाद है इधर घूमे इधर फिर आ गए ना सीधा सीधा रोड है ना इधर जाओ उपर नी बैठ हूं चला ला ना चलो हूं हाई कर दो ऐसा चलो मारो फिर गेड़ी मारो एक बाय तू मोड़न दे रुक जा आराम ने चलाना बस चलो बाय बाय। और ये मेरा घर है बाहर से, अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा पार्क। ये सारा कटिंग वगैरह करूँगा इसकी और वो साइड में मतलब दीवार लगेगी अभी यहाँ तक, और यहाँ पे लगेगा गेट, तो बढ़िया सा पार्क बनाऊंगा घर के लिए। और पक्के फर्श पे मतलब आप कोई भी पौधा जब मतलब तुलसी वगैरह कैसे लगा सकते हो, मतलब ये देखो हमने ये लगाई हुई है, इसको हमने मतलब और इतना सा ड्रिल किया हुआ है छोटा सा, उस पर तुलसी लगी है हमारी। और मेरी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मैंने ये ले लिया बोतल, अब जा रहा हूँ पेट्रोल पम्प। चुका हूँ घर और चलो अब डालते हैं पेट्रोल बाइक में, अभी मैं इसको इसमें डाल दूंगा। अभी इसकी बूंद बूंद भी बहुत कीमती है। और आज बनाऊंगा मैं वेज पास्ता, इधर मैंने ये डाल लिया हुआ पानी, और चलो इसमें इसको डाल देते हैं। बहुत हो गया, अब इसको मैं डाल दूंगा, और अभी इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगा ऑयल, और डालूंगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। और मिक्स करके इसको गैस पे रखूँगा। और 15 मिनट इसको ऐसे ही बॉयल होने दूंगा, उसके बाद देखते हैं। जब तक मैं काटता हूँ प्याज और टमाटर, अब इसको मैं धो दूंगा सभी चीज़ को। अभी 10 मिनट हो चुके हैं और थोड़ा और बॉईल कर लूँ उसको।
और इसमें होता है इसको नीचे मतलब ये नीचे ना लग जाए, अभी नहीं लगा। और मैंने प्याज और टमाटर और मिर्च वगैरह काट ली, और अब इसमें मैं डालूंगा ऑयल, और ऑयल मैंने डाल दिया है और थोड़ी देर इसको गर्म होने दूंगा। अब मैं हैंड चॉपर में टमाटर को ग्राइंड करूंगा। तो ये बन गई हमारी रेड सॉस। अभी मैं इसमें डाल दूंगा जो अपनी रेड सॉस बनाई है मैंने। तो मेरा रेड सॉस और मेरा पास्ता हो चुका है ऑलरेडी। चलो अब इसको करते हैं फिनिश। और अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है और मैं कर रहा हूँ अभी एडिटिंग, और एडिटिंग के साथ साथ मैं सुन रहा था सॉन्ग, और वो था असाथी तेनू रब मन्या बडाली ब्रदर्स के वो सॉन्ग है। और आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आपने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो जाके अभी करें, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, और नीचे मैंने बॉक्स में अपने पुरानी वीडियो के लिंक दिया हुआ है और जाके ज़रूर देखें, और बाय बाय।